All right, all right. namaste ji this is manu again from chartians and let's look at what markets did on friday and what markets can do on monday friday ko markets ne kya kiya aur monday markets kya kar sakte hai turant dekh lete hain okay now what was the view for the friday friday month hum uh, log sorry friday ka view ye tha ki agar 22000 ke upar market sustain kar rahi hai to short mat karo thoda short covering aa sakta hai market mein but kya short covering hua market mein nahi agar aap dekhoge friday was the, one of the most uh, you can say sideways day of the month of february wherein markets were नथिंग बट साइडवेज मूवमेंट कर रहे थे अगर आप देखोगे काफी टाइट रेंज में मार्केट कर रही थी इन निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी एक ब्रेकआउट देने का यहाँ पे चांस किया ये जो लेवल है इसके आसपास ही हमारे देखो हमारे लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया बट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अगेन और फिर ये लेवल के नीचे ही जाके क्लोजिंग दी है मार्केट ने ओके सिमिलरली फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम था अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव आया यहाँ पे एक्जैक्टली जो लेवल हम लोग ड्रॉ करके गए थे देखो 9:15 का ओपन इज इक्वल टू तो हाई कैंडल क्यू मैं कंट्रोल पॉइंट मार्क करता हूँ आपको आज पता चल गया रहेगा देखो यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे से एक अच्छा रिजेक्शन लेके नीचे भी गया है प्राइस ओके सो इट वॉज हमारा जो फोर डेज का प्रॉफिट स्ट्रिक चला था वो तो कल खत्म हो गया मतलब फ्राइडे को खत्म हो गया बिकॉज मोमेंटम तक ज्यादा कोई ट्रेड्स चले नहीं चार में से आई थिंक सिर्फ एक ट्रेड चला बाकी के तीन ट्रेड्स हम लोग माइनर लॉसेस में निकल गए ओके ट वट कैन है मार्केट नाउ कल के लिए हम लोग थोड़ा वीकली एनालिस देख लेते बहुत दिनों वीकली एनालिसिस देखी नहीं थी हम लोग तो थोड़ा इसको डिलीट करना चालू करते बिकॉज इसका उतना है नहीं। ठीक है तो अगर मैं देखो डेली डेली में क्या दिख रहा है हमको अभी डेली में देखो अगर मैं देखू तो इट इट इज नथिंग बट कंसोल्टेशन दैट इज स्टिल हैपनिंग इन द मार्केट मतलब रेंज क्या है मार्केट के पास मार्केट के पास अगर मेरे को रेंज बताना है देन दिस इज द रेंज दैट मार्केट इज ट्रेडिंग इन व्हाट इज दिस रेंज दिस इज द रेंज ठीक है अगर आप देखोगे मार्केट यही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है सो so इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लू में और रेड में तो आपको समझ में आ जाएगा ओके okay? तो इसको निकाल देता हूँ मैं इसका टारगेट अब हो चुका है ठीक है सो दिस इज अ रेंज दैट मार्केट इज ट्रेडिंग इन तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है देन यू हैव टू अज्यूम कि मार्केट अब फिर से ऊपर जा सकती है अब नीचे नहीं जाएगी और ऊपर जाएगी मार्केट अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो क्यों क्योंकि देखो ये रेंज कितने टाइम बाद आई मीन ट्वेंटी थर्ड जैन के बाद ट्वेंटी थर्ड में नहीं ज्यादा बोल ज्यादा बोलना पड़ेगा अपने को एथ जैन के बाद ये रेंज ब्रेक होगी ओके तो हम लोग जो हमेशा बोलते हैं जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट सो so, जब ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा वो मूव्स भी काफी अच्छे आएंगे जैसे सिमिलरली यहां पे इतना दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूव आया ठीक है वैसे यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये ब्रेकआउट होता है देन ट्वेंटी टू थाउजेंड वन सिक्सटी के ऊपर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब जितना पहले तो अपना टारगेट इतना रहेगा जितना ये रेंज है उतना ऑन दी अपसाइड ठीक है मतलब ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड फिर इसका डबल भी हम लोग ले सकते हैं विच इज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड या फोर हंड्रेड ओके दैट वुड बी द टारगेट्स इफ दिस रेंज ब्रेक्स आउट ओके नाउ जरूरी नहीं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करे करेक्ट तो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है क्या पता ट्रैप करने के लिए हमको एक फेक ब्रेकआउट भी दे सो बी वेरी केयरफुल बट जो भी रहेगा फेक ब्रेकआउट भी अगर होएगा तो हमको पता चल जाएगा मार्केट अगर फिर से ट्वेंटी टू थाउजेंड वन वन सिक्स के नीचे आना चालू करती है देन यू कैन एक्सपेक्ट की येस वो फेक ब्रेकआउट था या एक बुल ट्रैप था जहां पर बुल्स को ट्रैप किया गया एंड देखो डाउन मूव भी आएगा वो भी बहुत काफी क्विक आएगा जैसे हम लोग ने यू you नो know, प्राय वीडियो में डिस्कस किया है जब भी कोई भी साइड ट्रैप होता है इट कैन बी बेयर ट्रैप और इट कैन बी बुल ट्रैप इज वेल जो भी साइड ट्रैप होता है उस साइड का मूव काफी क्विक होता है ओके सो वीकली चार्ट कीप इट वेरी सिंपल ट्वेंटी के ऊपर वी अगेन हैव टू बी बुलिश बेरिश होने नहीं है अभी ओके डेली टाइम फ्रेम देख लेते डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखू तो डेली टाइम फ्रेम पे नो no डाउट हमको एक अच्छा अगेन एक रेंज दिख रहा है बट एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आई डोंट नो इफ यू यूज बट ये, kind of ये एक काइंड ऑफ एक रेंज ब्रेकआउट एक फ्लैग पोल बोल सकते हो अगेन इट्स नॉट दैट एक्यूरेट ओके बट अगर देखोगे तो येस yes, यहाँ से एक अच्छा एक रेंज uh, में चल रहा था मार्केट यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया देन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन चीजें टू बी बुलिश ओके सो वी हैव टू डबल डोजीज ऑल्सो तो अगर देखते हैं यहाँ पे भी दो डबल डोजी बना था और डबल डोजी नहीं बोल सकते बट यहाँ पे भी एक हॉल्ड कैंडल्स बने थे और मार्केट नीचे आई थी यहाँ पे भी अभी हॉल्ड कैंडल्स बन रहे अगेन नियर द रेजिस्टेंस लेट सी वॉट हैपन्स क्योंकि ये वाला वीक जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए हमको पता चलेगा कि मार्केट्स में ब्रेक आउट आने वाला है कि ब्रेक डाउन आने वाला है ओके सो डेली टाइम फ्रेम नो डाउट अगेन द रेजिस्टेंस द सेम और कोई रेजिस्टेंस हमको दिख नहीं रहा है सपोर्ट अगर मेरे को दिखना है देन सपोर्ट मेरे को ये दिख के आ रहा है ओपन गल टू आई कैंडल अगेन हमारा सपोर्ट रहेगा ओके तो इसको हम लोग अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके आके इसके एनालिसिस करते हैं इसको सबको अभी डिलीट करते हैं रिमूव वर्ड्स ओके ठीक है तो अभी एनालिसिस करना चालू करते हैं, ट्वेंटी टू थाउजेंड वन वन से जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था वो हमारा support, हमारा रेजिस्टेंस तो रहेगा ही ऑल टाइम हाइज जो है हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा सपोर्ट क्या रहेगा सपोर्ट हमने ट्वेंटी टू थाउजेंड ये जो ओपन इजिकल टू हाई कैंडल है इसको हम लोग सपोर्ट लेंगे ठीक है इसको मैं यहाँ से अच्छे से मार्क कर देता हूँ फर्स्ट ओपन इजिगल टू हाई कैंडल इज गोइंट टू बी योर सपोर्ट योर ठीक है नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट भी अगर मेरे को ड्रॉ करना है देन ये बन के आ रहा है ठीक है ये ये लेवल पे प्राइस ने काफ़ी बार रिएक्शन दिया है इफ़ यू गैस कैन सी क्लियरली ओवर ओके सो दी जाती इंटराडी सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा देखो नेक्स्ट सपोर्ट नो डाउट ओपन इज गल टू हाई कैंडल यहाँ पे भी है तो इसको भी आप सपोर्ट ले सकते हो तो इसको मैं यहाँ पे ये लेके आता हूँ ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा अभी नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को ड्रॉ करना है देन दिस रिमेन्स नेक्स्ट सपोर्ट ठीक है यहाँ से प्राइज़ ने काफ़ी अच्छे बार रिएक्शन दिया है ओके okay. सो दीज नेक्स्ट सपोर्ट्स इसके ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं बिकॉज ऑल टाइम हाई जाए तो सपोर्ट्स क्या रह हम लोग के कल के लिए ट्वेंटी टू थाउजेंड वन ट्वेंटी थ्री रेजिस्टेंस ट्वेंटी टू थाउजेंड इज योर सपोर्ट एंड सीधा नेक्स्ट सपोर्ट ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन थर्टी ये जो गैप रीजन है इसको ही आप ले सकते हो सीधा एक सपोर्ट का काम कर सकता है ओके बैंक निफ्टी में देखना है अगर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखो बैंक निफ्टी में रिमेन्स द सेम कोई चेंज नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसिस क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी अभी तक गया नहीं है ओके okay? सो बैंक निफ्टी में अगर मेरे को रेजिस्टेंसिस देखना है इसका सपोर्ट मैं चेंज कर सकता हूँ सपोर्ट मैं इसको रख सकता हूँ क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छे बार यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था फ्राइडे को ओके सो फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू सिक्सटी सेवन इज योर सपोर्ट ओके एंड फोर्टी सिक्स सेवन सिक्सटी वन इज अगेन बिकम्स योर रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ से अच्छा रिजेक्शन भी आया फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन सिक्सटी इज योर रेजिस्टेंस फॉर्टी सिक्स थाउजें टू सिक्सटी सेवन मतलब टू फिफ्टी पकड़ो इज नाउ एंड नेक्स्ट सपोर्ट सीधा फॉर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड और छोटे छोटे सपोर्ट्स है जो मार्केट हिट करेगा अगर नीचे जाता है तो ओके फिन निफ्टी फिन निफ्टी में भी लेवल्स रिमेन द सेम ट्वेंटी थाउजेंड फाइव सिक्सटी इज योर रेजिस्टेंस ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इज योर सपोर्ट एक अच्छा रेंज है फिन निफ्टी के पास भी फिन निफ्टी भी अगर देखते हैं कैसे ट्रेड करता है उसके हिसाब से हम लोग कल ट्रेड करके बट ऑल डिपेंड्स ऑन निफ्टी निफ्टी अगर सपोर्ट करता है देन ओनली वी विल सी ब्रेकआउट इन ऑल इंडाइसिस ओके अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अगर सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि वो एक बुल ट्रैप हो सकता है जैसे हुआ था फ्राइडे को अगर आप देखोगे निफ्टी में कुछ अपमूव नहीं चल रहा था बट बैंक निफ्टी में एक अप स्पाइक आई थी और वो स्पाइक सस्टेन हुई नहीं सीधा नीचे आ गई मार्केट सिमिलर प्राइस एक्शन हो सकता है अगर सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ब्रेकआउट दे रहे और निफ्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बुल ट्रैप इस वे ओके तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया था नाउ लेट्स टू गेट बैंक निफ्टी का वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम ठीक है वीकली टाइम फ्रेम अगर मेरे को देखना है देन थोड़ा चीजें डिलीट करते हैं अभी ठीक है वीकली टाइम फ्रेम पे इफ आई हैव टू सी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब सीधा बन के आ रहा है फोर्टी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी से उसके पहले टू फिफ्टी मतलब उसके पहले कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है हमको ओके डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखू तो डेली टाइम फ्रेम में भी अभी वो रेंज इंटैक्ट है मार्केट की वो रेंज क्या है 47,250 से लेकर 44,700 दिस इज द रेंज दैट मार्केट इज इट ट्रेडिंग इन ठीक है तो जब तक ये रेंज का कुछ होता नहीं तब तक हम लोग यू कैन से कुछ ज्यादा कर नहीं सकते मार्केट्स में यू हैव टू जस्ट ट्रेड एज पर द लेवल्स मतलब एवरी जो भी लेवल्स के हिसाब से जब जब मार्केट अपने लेवल्स पर आएगी और जो कैंडल बनाएगी उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है आपको कुछ और कर नहीं सकते जब तक ये रेंज ब्रेकआउट होता नहीं है मार्केट में ओके बट एक सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट अच्छा काम करेगा 46,173 एक अच्छा इंट्राडे सपोर्ट दिख रहा है ओके okay? तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी फिन निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना रहे ज्यादा कुछ इंडिकेशन uh, नहीं दे रहे बट नो डाउट एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ नहीं है हमारे बैंक निफ्टी में ओके सो लेट्स इसका अपना इंटराडी लेवल्स देख लेते हैं 46,173 इसको हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट 46,173 को मार्क कर लेते हैं ठीक है एक अच्छा इंट्राडे सपोर्ट हो सकता है ओके okay? तो कल फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू सिक्सटी सेवन को निकाल देते हैं हम लोग और फॉर्टी सिक्स थाउजेंड वन सेवेंटी फोर को एक अच्छा सपोर्ट मार्क करेंगे जो हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पर दिखा एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन थर्टी एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है अभी बैंक निफ्टी ठीक है और टुमारो वॉट नीड्स टू बी डन देखो टुमारो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है देन डू नॉट एक्सपेक्ट मार्केट्स टू यू नो शॉर्ट कवरिंग ऐसे नहीं आएगी शॉर्ट कवरिंग अगर आना है मार्केट में या मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव आना है पहले ट्रैप करेगी मार्केट एंड देन वो एक बड़ा मूव आएगी तो एम एक्सपेक्टिंग इज कि कल अगर गैप अप हुआ देन बहुत बड़ा गैप हुआ मतलब समझो 60 70 पॉइंट्स का गैप अप हुआ देन डू नॉट चेज दैट गैप अप फिर वो मार्केट नीचे आ सकती है एक बार फिर से ठीक है एंड कल सबसे बेस्ट सीना क्या रहेगा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सैनारियो ये रहेगा अगर मार्केट समझो फ्लैट खुल रही है और नीचे आ रही है ओके समझो ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन थर्टी तक आ रही है मार्केट एंड यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना रही है देन आई एल इंटरेस्टेड इन टेकिंग ट्रेड्स And then I can expect a very good massive breakout in nifty and bank nifty and fin nifty. Tino, tino mein bol okay. So tomorrow, what is the view? Tomorrow the view is again going to be wait and watch if it's a big gap up. Okay, if it's a flat opening, I'm expecting a dip in the market tomorrow. And then maybe in coming days, we can expect a good rally as well. Okay. And our uh, stop losses carrying a bullish view. I'm to change 21,780 break. Nahi hona chahi, 21 break hua, then we can expect a good fall as well in the market. Okay. So that's about it for the market view for today, guys. Hope you guys like this video. Now, if you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. Okay. And Also, I'll be updating Jobbi Hamara Performance for the month for the last week. It was a very amazing week for all our members. So, Joby Hamara Performance Tracker was, we'll have a screenshot. You guys can go through it. Okay. So that's about it. This is me, Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Volatility is only going to increase now as elections are coming near. Okay? Take care, have a nice one, bye.